राज्यपाल कलराज मिश्र जोधपुर के जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के 16वें दीक्षांत समारोह में सम्मिलित हुए। इस अवसर पर उच्च शिक्षा राज्य मंत्री भंवर सिंह भाटी भी उपस्थित रहे। इसी कार्यक्रम में सभी संकायों के 1,04,244 विद्यार्थियों को उपाधि प्रदान की गई। शिक्षा के क्षेत्र में, दर्शन शास्त्र के क्षेत्र में उनका एक विशेष स्थान था। धर्म के बारे में भी उनकी अपनी सही माने थी। जब नया कहा गया है धारणा सतर्माई क्या हो धर्म उठाए के प्रजा, ये नैतिक मूल्यों के द्वारा ही हो सकती है। नैतिक मूल्यों को प्राथमिकता देकर शिक्षा के क्षेत्र में उसकी गुणवत्ता बढ़े, लगातार डॉक्टर राधाकृष्णन जी ने ये प्रयास किया है। और मैं ये देख रहा था कि अभी जब स्वर्ण पदक, गुलाबी पदक या उपाधियां कुलाधिपति महोदय दे रहे थे, तो मैं निश्चित रूप से अभी आप सब छात्रों और छात्राओं को कहना चाहूंगा कि आपने बहुत ही अच्छी शिक्षा इस विश्वविद्यालय से ग्रहण की है। म्यूजिक मेरे घर में शुरुआत से ही था, तो मुझे मतलब बचपन से ही मेरे फादर साहब ने सिखाया ये सब कुछ, तो उसी उन्हीं की ये देन है। और फिर आगे चलकर मुझे टीचर वगैरह मिले, गुरुजन मिले, उनके अंडर में ये शिक्षा दीक्षा हुई और आज मेरे ये मेडल मिला है उनके सबके आशीर्वाद से। मुझे BA में गोल्ड मेडल मिला है 2017 बैच। इसका श्रेय मैं सबसे पहले ऊपर वाले को देना चाहूँगी, जिसकी ब्लेसिंग्स की वजह से आज तक मैं यहाँ पहुँची हूँ। उसके अलावा मेरे पेरेंट्स, मेरे टीचर्स, पूरा डिपार्टमेंट, इन सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, जिनकी वजह से आज मैं यहाँ तक पहुँची। और मेरा बैचलर ऑफ इकोनॉमिक्स के अंदर गोल्ड मेडल है 2017 का। और मैं सबसे पहले तो इसका श्रेय मेरे टीचर्स को, डिपार्टमेंट को, सभी को देना चाहूँगी, और साथ ही साथ मेरी जो सेल्फ स्टडी थी उसको देना चाहूँगी। तो बेसिकली यही मेरा कहना है कि डिसिप्लिन और जो रेगुलरिटी है वो मेंटेन करने से हम कुछ भी कर सकते। और मैं अपना इसका श्रेय अपने मम्मा पापा, मेरे टीचर्स और अभी लास्ट एंड नॉट लिस्ट मैं अपने पति को देना चाहूँगी, जिन्होंने मुझे कहा है कि आगे पढ़ो, शादी के बाद भी आप पढ़ सकते हो, कुछ कर सकते हो। हाँ, अगर आप कल्चर कोई डिपेंड नहीं करता, अगर आप डेडिकेटेड हो अपनी स्टडी के लिए, तो कहीं भी रहो, आप गांव में रहो, शहर में रहो, कोई मैटर।